पहले लॉकडाउन में ये महसूस किया गया था कि जो ट्रक वाले निकल रहे हैं उन्हें खाने पीने को चीजें नहीं मिल रही हैं और इसीलिए रियायत दी गई और कहा गया कि कुछ कुछ दूरी पर जो राज्य सरकारें निर्धारित करेंगी उस पर ऐसे ढाबे जो हैं वो खुलेंगे। अब यहाँ पर हम बहरोड में जमुना होटल पर हैं, यहाँ पर ढाबा खुला हुआ है। कब से खुला है? या अभी 20 तारीख बाद। 20 के बाद? हाँ, जब निर्देश आ गए थे उसके बाद। हाँ, उसके बाद में, उसके बाद आप लोग ट्रक लेकर निकले हैं, कहाँ से निकले हैं? ये जब से लॉकडाउन हुआ यही है, यही पर है। कैसे चल रहा है आपका काम? क्या करें, यही रोटी खाते हैं, यही पड़े रहते हैं, कोई काम ही नहीं है मार्केट में। आप कहाँ से निकले थे? हम भी यही है, लॉकडाउन से यही बैठे हैं, होटल पे ही है। और कहाँ जाएंगे? तो अभी तक कुछ बताया नहीं गया कि आप कहाँ निकलेंगे। कोई को वो नहीं हुआ है अभी, क्या कहाँ जाना है, क्या सिस्टम है, कोई नहीं बताया, कुछ भी नहीं पता है। तो आप लोग सब लेकिन लोकल है, राजस्थान के? यूपी से हूँ। यूपी से? जी जी, रायबरेली से। रायबरेली से आप? राजस्थान से हैं। और बाकी लोग, आप लोग यहीं के हैं या आप? हरियाणा से। हरियाणा से हैं। आपको भी नहीं पता कि अब आगे कहाँ निकलना है? तो यहीं पर हैं। यही है, 22 तारीख से। लेकिन इसके बीच में बाकी ट्रक भी तो आते जाते हैं, अब तो मूवमेंट शुरू। हाँ, ये खाने पीने की चीज के ट्रक आते जाते रहते हैं। हाँ। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग एसेंशियल वाले में नहीं थे? हाँ, नहीं, एसेंशियल वाले ट्रांसपोर्ट में नहीं है। तो जब यहाँ पर जैसे खाने पीने की व्यवस्था से फायदा हो जाता है, पैकअप करके दे देते हैं, अपने गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं। तो यहीं पे जिंदगी आप लोगों की बीत रही है ऐसे ही मुश्किल में? हाँ जी, बहुत औखा है ये। हाँ जी, सरसा से आए हुए ये अपने बेटे से बात कर रहे हैं? हाँ जी, वीडियो कॉल से बातचीत, यहाँ पे नेटवर्क वगैरह अच्छा है तो। हाँ जी, बात बहुत तो हो जाती है। कितनी बार बात कर पाते हैं आप बताइए? पहली बार वीडियो कॉल से? एक आधी बार बात होती है जी दिन में। पहले और दूसरे लॉकडाउन के बीच हाईवे की तस्वीर बदली है। पहिए सड़कों पर लौटे हैं, उनके लिए सड़क किनारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिंदगी को अगर पटरी पर लौटना है तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, जयपुर आज तक।